और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की जो तस्वीर है अब वो बिल्कुल साफ हो गई है। सभी सीटों के जो चुनाव परिणाम हैं वो घोषित किए जा चुके हैं प्रदेश भर से। जिला पंचायत के लगभग सभी परिणाम सामने आ चुके हैं और जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसमें समाजवादी पार्टी के लिए खुश होने की बात है। 3050 यानी सभी सीटों का जो परिणाम या रुझान है वो सामने आ चुका है और अंतिम टैली अब हमारे सामने है जिसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 760 सीटों पर जीत दर्ज की है। हम कल से ये खबर आपको दिखा रहे थे कि समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और वो खबर अब अंत आते आते मतगणना का समापन होते होते सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा 10 सीटों से पिछड़ गई है, दूसरे नंबर पर रही है 750 सीटों के साथ। वहीं बहुजन समाज पार्टी जो इस चुनाव में अधिक सक्रिय नहीं दिखाई दी थी 381 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। वहीं सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो निर्दलीय या अन्य प्रत्याशियों का है। ये प्रत्याशी 1083 सीटों पर लीड कर रहे हैं, 1083 सीटों पर जीत हासिल की है उन प्रत्याशियों ने जो किसी दल के द्वारा समर्थित नहीं थे। कांग्रेस को महज 76 सीटें मिली हैं। तो ये फाइनल टैली है जो जिला पंचायत के चुनाव हैं उनकी, ये फाइनल टैली आपके सामने है। अब इसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है। अब समस्या ये आ रही है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं वो किस खेमे में जाएंगे। समाजवादी पार्टी उन पर अपना अधिकार जता रही है, वहीं भाजपा उनको अपना प्रत्याशी बता रही है। तो 2022 से पहले सपा को संजीवनी मिल गई है, वहीं भाजपा को करारा झटका लगा है। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश से जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि समाजवादी पार्टी ने पंचायत चुनाव में अपनी धाक जमा दी है।